दोस्तों आज हम चंपेश्वर महादेव की ओर जा रहे हैं, जो कि पाबो ब्लॉक में आता है। ये जो आप शहर देख रहे हैं नीचे, ये पाबो ब्लॉक है और ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पाबो ब्लॉक से लगभग 10 किलोमीटर दूर चंपेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसी मान्यताएं हैं कि वहाँ पर एक चंपा का वृक्ष है और जिस चंपा वृक्ष के नीचे जो है भगवान जो महादेव हैं वो विराजमान हैं, और उसी के नाम पर जो वह स्थान है उसका नाम चंपेश्वर महादेव पड़ा है। तो दोस्तों हम चलते हैं चंपेश्वर महादेव की ओर और जो प्रकृति का आनंद है उसको लेते हुए हम चंपेश्वर महादेव की ओर चलते हैं और देखेंगे वहाँ पर वहाँ किस तरह का जो वह रमणीय क्षेत्र है वो किस तरह से भगवान शिव को समर्पित है, और वहाँ पर जो मंदिर की शिलाएं हैं वो कैसी हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चंपेश्वर महादेव की ओर।
दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि ये चंपा ट्री है। जरा दिखाओ तो कितना बड़ा पुराना ट्री है। ये कम से कम जो है 200 साल पुराना वृक्ष है और इसी वृक्ष के नाम पर इस जो मंदिर समूह है इसका नाम चंपेश्वर रखा गया है। इसमें फैलाव इतना ज़्यादा है, कम से कम जो है ये 100 मीटर का एरिया कम से कम कवर कर रहा है, इतना ज़्यादा। और इसका ये आप देखिए, ये जो इसका तना है, ये तना देखिए आप कितना मोटा है। और ये जो चंपेश्वर का ये जहाँ पर पुराना मंदिर था चंपेश्वर का, उसी को बाद में जो है यहाँ पर नया मंदिर स्थापित किया गया। एक यहाँ पर एक स्कूल है, थोड़ा प्राइमरी विद्यालय भी है यहाँ पर पास में चंपेश्वर पिपली क्षेत्र में, और ऊपर हॉस्पिटल भी है। एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक जो है ये नर्सरी वालों का है प्राथमिक विद्यालय, और एक जो है उच्च शिक्षा का भी यहाँ पर विद्यालय है। गांव वालों ने ये सारा जो बनाया है ये स्वयं के व्यय पर बनाया है, और इसमें जो है आप देख सकते हो कि हवन कुंड है यहाँ पर। यहाँ पर जो है यज्ञ, जब कभी कोई जो त्यौहार होता है या कोई पूजन का कार्य है तो यहाँ पर किया जाता है। बाकी ये जो है यात्री शेड भी है यहाँ पर छोटा सा। और ये जो शिला है, ये जो शिला है जो दिखाई, ये पौराणिक शिला है। इसमें देखिए कि इस पत्थर पर जो है गणेश भगवान को जो है उकेरा गया है। ये दिखता है क्या, दिखता है ये वाला? देखिए जरा पास से दिखाने की कोशिश करूँगा इसको। देखिए ये पौराणिक है, ये ऐसा ही एक मंदिर, एक शिला और था यहाँ पर जिस पर जो है भगवान शिव की प्रतिमा अंकित थी, वो अभी पता नहीं कहाँ है। और एक शिला और था जिस पर जो है ये लिखा हुआ था कि ये कब मंदिर स्थापित किया गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, वो भी जो है अभी पता नहीं कहाँ है, लोगों ने कर दिया है। केवल ये कुछ और पौराणिक आकृतियाँ हैं पत्थर पर उकेरी गई हैं। ये जो पुराना मंदिर था उसमें इस तरह की शिलालेख उसके हैं। ये देखिए इस तरह के मंदिर में पुराने वो रखे जाते थे, अभी तो जो है नए वो आ गए हैं, लेकिन ये पुराने वो हैं जहाँ आपको खुद से पहचान करनी पड़ेगी कि ये कौन सा भगवान है। देखिए इसमें आप बहुत ज़्यादा इतना पता भी नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा भगवान है। ये तो जो है मुझे लग रहा कि शिव और पार्वती माँ हैं, और इधर भी ऐसी है, इधर भी है सब, इधर भी है। ये पौराणिक पत्थर है ये वाले, ये जो है ना पटाल पे जो बनाए गए हैं, ये पौराणिक। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हड़प्पा सभ्यता का हो। देखो इसमें थोड़ा घास उगाई है, देखो ये भी है, ये भी पौराणिक है। और इस पे जो है देख सकते हो कि ये जो है एक कुछ आकृति बनाई हुई है, शायद ये कोई रथ का पहिया टाइप का कुछ बना हुआ है इस पे। और एक छोटा मंदिर इधर है, चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त हो रखी हैं यहाँ पर। एक छोटा मंदिर ये है माँ दुर्गा का। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाघ का या आतंक रहता है शेर का, उस जगह पर माँ दुर्गा जब विराजमान रहती हैं गांव वालों की रक्षा के लिए। विशालिका कितने पढ़ते हो तुम? तीन में। और मैडम कैसा पढ़ाती है? अच्छा, कितने टीचर है वहाँ? दो टीचर बस? हाँ। अरे वाह, और तुम्हारा क्या नाम है? पिल्लू है। ओए। बताओ तो क्या नाम है तुम्हारा? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत चमोली। और तुम्हारा? आशीष थापा। आगे थापा। आशीष थापा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आईफोन 40 अरे ये तो बहुत प्यारा बच्चा है भाई। है तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य। और तुम्हारा? तुम भी आदित्य थापा हो? नहीं, आदित्य राणा है। अच्छा, आईफोन 13 प्रो मैक्स। अरे बाप रे, आईफोन 30 प्रो मैक्स,
ये तो नहीं है यार, ये वही है। हैं कैसे पता तुम्हें? अरे गिराया क्यों उसको भाई? बंद कर यार आदि। लगी तो नहीं? अबे बाल तो नहीं है। अरे भाई मत लड़ो भाई।